या अल्लाह, इन जगहों पे जाने का मौका तो किस्मत वालों और नसीबों वालों को ही मिलता है, लेकिन आज तुझे सब्ज गुंबद का वास्ता देना है। आज तुझे हर वसीले से, उस जात से, उस नाम से तुझे पुकारना है जिसे पुकारा जाना तुझे पसंद है। जिसे पुकारो तो तू सुनता है। हम तो बहुत गुनाहगार हैं, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मालिक के कायनात, आज जुम्मे का दिन है, तुझे जुम्मे की बाबरकात, सावतों का वास्ता, तुझे अपनी महबूब तरीन हस्ती का वास्ता, तुझे सब्ज गुंबद वाले का वास्ता, वजह तखलीक कायनात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता। हम उनकी जात को वसीला बनाकर अपने दुखों की गठरी तेरे सामने रखते हैं। अब हम इसका बोझ नहीं उठा सकते और इसी गठरी में मौजूद हमारे कबीरा और सगीरा गुनाह हमारी दुआओं की कबूलियत की राह में रुकावट है। हम पिछले 1.5 साल से दुआएं मांग रहे हैं, हम कोशिशें टूटी फूटी सही जैसी भी कर रहे हैं, हम अपनी कोशिशें कर रहे हैं, हमारी सुनने में देर सवेर बेशक करने, लेकिन आपको अपनी मोहब्बत का वास्ता हमारे गुनाह ना देखे, अपने महबूब को देखें, अपने महबूब के चाहने वाले को देखें और उस आशिक के रसूल को इन दरिंदों के चंगल से निकाल दें। हमें ना दुआ मांगनी आती है ना उसके आदाब आते हैं, लेकिन हमें ये पता कि हम तेरी इबादत करते हैं, तुझसे मदद मांगते हैं, हमें तू ही तू नजर आता है जब कोई और नजर नहीं आता। हमें तेरा ही आसरा है, हमें किसी अदालत, किसी कानून से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि ना मुल्क में अदालत है ना कानून, लेकिन तेरा अदल का निसाब, तेरा इंसाफ तू मुझसे कह, तू दिल भावेता जानता है, तू सब चीजों से, तू जाहिर पोशीदा सब चीजें तेरे आया सामने आया है। हम अपने हमारे छुपे हुए गुनाह, हमारे खुलेआम किए हुए गुनाह तेरे सामने है, हम उनका इतराफ करते हैं, हम उनकी माफी मांगते हैं। यही वो गुनाह है, यही वो गुनाहों की कटरी है जो हमारी दुआएं नहीं सुन रही उस एक आदमी के लिए। हम ये जानते हैं कि तेरे नबी की हुर्मत का दीवाना रियासत मदीना की ख्वाहिश रखने वाला अजीम आदमी अपने सी जुर्म की सजा में कैद है, क्या चाहता था वो हमें शऊर दिलाना, हमें उसने ये सिखाया कि अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, तुझे से मदद मांगते, हम तो सर तक गुनाहों में, गंदगी में, खलासत में लचड़े हुए थे, हम अभी भी लचड़े हुए, हमारे वजूद हमारी जबानें ना पाते, लेकिन उसने हमें सिखाया, उसने हमें गलत और अच्छे बुरे का सबक फर्क सिखाया है अल्लाह ताला। आज जो अपने जमान पाक के बाहर नौजवान लड़कों, बच्चों, औरतों, बूढ़ों को नमाजें पढ़ाया करता था, उसकी वजह से लोग नमाजें पढ़ते थे, जो रोजा खुलवाया करता था, उसे न कुरान मुयस्सर है न वजू को पानी, उसको जिस कोठरी में रखा उसमें वजह नमाज भी नहीं बचा सकता। वो तेरी बात करता है, तेरे नबी की बात करता है, मेरे मुल्क पे कयामत सुगरा पड़ी है, न जान माल महफूज है, न किसी की इज्जत आबरू, हम कमजोर है, हम कम हिम्मत है, किसी की कोई रोजी आड़े आ जाती है तो किसी की बेटी, किसी की माँ, हम डर के चुप हो जाते हैं, नहीं लड़ सकते हम इन दरिंदों से जिन्होंने हमारी जिन्होंने हिम्मत की, वो भी पाबंद सलासल है, उनको भी पकड़ लिया। अगर वो तो अपनी बाजी खेल लीजिए, उसकी ख्वाहिश है ना कि जब आपके पास जाए तो आप उसको कहें कि उसने अपनी कौम को लाइला का मतलब समझा दिया, तो माला हम गवाही दे रहे हैं ना, हम कह रहे हैं कि ऐसा ही है, हम सबके दिल से दावा करते हैं, हम आगे से और मजीद अच्छे बनेंगे, हमें उसने जो हमें तेरे नबी ने जो सिखाया और उसने जो हमें नबी की तालीमात हम तक पहुंचाने का जो वसीला बनाया, हम उसकी बात सुनेंगे, हम तेरी भी बात सुनेंगे, तेरे काम मानेंगे, हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम कोई किसी काम अपनी हम अपने मुल्क के लिए खड़े हो, हम एक दूसरे के लिए खड़े हो। पता नहीं मेरा दिल कहता है कि तूने उसके ऊपर अपने एहसान से जैसे बांधा हुआ है अंदर, वो बेशक कैद में है, वो हमारे पास तेरी अमानत है, वो इस कौम की पूंजी है, हमारी उम्मीदें उसी से जुड़ी है, हम जब उसके लिए दुख का इजहार करते हैं, हम जब रोते हैं, हम जब मासूम होते हैं, हमारे तभी मजाक उड़ाया जाता है। अल्लाह ताला तोड़ दे ये हंसने वाले दांत, तोड़ दे ये उंगलियां जो उसको उठती है, तोड़ दे ये झूठ बोलने वाली जबाने, तोड़ दे वो हाथ जो कलम को गलत जगह इस्तेमाल करते हैं, जिन हम पे अजाब की तरह ये लोग मुसलत है, ये हुकूमत मुसलत है, इसको तबाह बर्बाद करते हैं। अल्लाह ताला हमें नाकामत हो देना, हमें कभी कभी लगता है कि हम अपनी आजमाइश में कहीं नाकाम ना हो जाए। रब्बना फिर हमें सब्र इकदाम काफरी, ये काफिर है, इनको अपनी मौत नहीं आती, ये खुद को मुंह से कलमा को जरूर कहते हैं लेकिन तेरी जमीन पर शर फैलाते हैं, तेरी जमीन पर फसाद फैलाते हैं, तेरी जमीन पर बेगुनाहों का खून नहक बहाते हैं, सच बोलने वाले को दबाते हैं, बच्चियों की इज्जतें तार तार करते हैं, इंसाफ की धज्जियां बिखेरते हैं, मजलूम को नाहक सजा देते हैं, नाकाम ना लौटाना। हम इखलाकी और मशरकी तौर पर हर तरह की पस्ती का शिकार कौम है, इस कौम को भले इस भले आदमी ने भलाई का सबक दिया, वो हमारे लिए खड़ा रहा,
तेरे नबी की उम्मत को उसका सबक सिखाता रहा। आज इसको हमारी जरूरत है तो हमें 100 उजर दिखाई देते। हमें ना तू साशे के रसूल को सिर्फ पाकिस्तान नहीं दुनिया उसे उम्मत मुस्लिमों का लीडर कहती है। उसको कैद में रखने वाले गलाजत से लिथड़े चेहरे खून में रंगे हाथ हमारी बेबसी पर रखते हैं। उसके पाले हुए आस्तीन के साथ उसका ठट्टा उड़ाते हैं। तो ये मत देख के उसकी राह में कौन कौन मांग रहा है। तू अपनी शानी नहीं देख, तो तेरी शानी निशानी नहीं का वास्ता। तू अपने महबूब को देख और उसके दीवाने को देख, निकाल दे उसे अजमाइश से मौला। तू रहीम है, करीम है, तू गफार है, तू कहार है, कर दे नीस्त ना पूत। औलाद के सामने मौत को बेपर्दा करने वालों को, औलाद के सामने बच्चियों की इस्मत पर रंग डालने वाले को हाथ तोड़ देंगे। नाबालिग बच्चियों को मसलने वाले को गलीज से गलीज बीमारियां लगा दे। फिरौनियत के दावेदारों का सर कुचल दे। ये हमको इतनी ताकत दे दे कि हम बकरे यजीदियों के तीरों के सामने डट के खड़े हो जाए। नाकाम ना लौटाना हमें, हमें नाकाम ना लौटाना। रबना अफरिग अलैना सबरा वतक़ामना फंसुरना अलल क़ौम काफ़िरीन। रबना अफरिग अलैना सबरा वतक़ामना फंसुरना अलल क़ौम काफ़िरीन। रबना अफरिग अलैना सबरा वतक़ामना फंसुरना अलल क़ौम काफ़िरीन। कौन कह दे मेरे मालिक, मेरी दुआओं पे कौन कह दे, मेरी दुआओं पे कौन कह दे, तेरे सिवा हमारा कोई नहीं।